हेलो वेलकम टू टैक शर्मित आज के सेशन में हम देखेंगे साइज़ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में सेल प्रोग्राम में तो उसके डेमो के लिए मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है मैं आपको प्रोग्राम एडिट मोड में ओपन करके उसका लॉजिक हम देखते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने तीन वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए हैं पहला है नेम दूसरा है आई नंबर और तीसरा है साइज आउटपुट जो नेम वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का है इसमें हमने जो लेंथ सेट किए नाइन है और इसमें एक वैल्यू हमने स्टोर किए शर्मित सेकेंड वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है आई डी नंबर जो डेसिमल टाइप का है जिसकी लेंथ है टू और डेसिमल पोजीशन हमने रखी है जीरो और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करी फिफ्टीन थर्ड वेरिएबल हम इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी आउटपुट साइज फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करेंगे साइज आउटपुट में ठीक है तो ये वो डेसिमल वेरिएबल बनाया है लेंथ फोर का अब हम देखते हैं सिंटेक्स और पर्पस ऑफ यूजिंग साइज फंक्शन सो साइज फंक्शन क्या करता है एक वेरिएबल आर्ग्यूमेंट लेता है अपने पैरेंथेसिस में और फिर उसका साइज़ रिटर्न करता है तो जो भी वेरिएबल हम पास कर रहे हैं उसका वो बताएगा कि नंबर ऑफ बाइट कितनी ऑक्यूपाई करता है वो तो उसका साइज़ रिटर्न करता है साइज बिल्टन फंक्शन जैसा इसका नेम है वैसे ही इसका प्रोसेस है यूज़ कैसे करते हैं सेंटेक्स जैसा आपने देखा बहुत ही सिंपल है आपको सिंपली लिखना है परसेंटेज साइज़ और पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नेम देना जिसके साइज़ आपको जिसके साइज़ की आपको नीड है तो यहाँ हम लाइन नंबर ट्वेंटी फोर पर सी एच जी वायर कमांड लिख रहे हैं सी एच जी वायर फिर एफ फोर आप ले सकते हो यहाँ पे हम सी एवल वेरिएबल में वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे तो जो भी साइज फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम स्टोर करना चाहते हैं साइज आउटपुट वेरिएबल में हमने यहाँ रखा सेकेंड वैल्यू न्यू वैल्यू में हम यूज कर रहे हैं इस फंक्शन को तो फंक्शन यूज करना बहुत सिंपल है आपको लिखना है परसेंटेज साइज और पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नेम देना तो जो हमारा वेरिएबल है जिसका हम लेंथ साइज फाइंड करना चाहते हैं वो है साइज नेम तो हमने यहाँ नेम पास किया और फिर उसको प्रिंट करने के लिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड के साथ एस एन डी पी जी एम एम एस जी कमांड में हम डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं पहले करैक्टर में और फिर उस करेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं कमांड की हेल्प से तो जब ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो साइज़ है नेम वेरिएबल का नंबर ऑफ बाइट्स वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो रिटर्न होगा और फिर उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे उसी तरह से हम यहाँ पे दूसरे बिल्टन फंक्शन दूसरे वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हैं जो है आई डी नंबर एक डेसिमल सेम प्रोसेस है सी एच जी वायर आपको लिखना है एफ फोर लेना है यहाँ पे सी एल वेरिएबल में उस वेरिएबल का नेम देना है जिसका भी आपको साइज फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे सी एल वेरिएबल में आपको वो वेरिएबल देना है जिसमें आपको आउटपुट स्टोर करना है तो हम यहाँ लिख रहे हैं साइज आउटपुट उसके बाद में न्यू वैल्यू में हम लिखेंगे परसेंटेज साइज़ और अब हम वो वाला वेरिएबल पास करेंगे जिसका साइज़ हमें चाहिए तो हम यहाँ डालेंगे आई डी नंबर ठीक है जैसे आई डी नम यहाँ पर यहाँ पास होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसके जो आउटपुट है वो आएगा साइज आउटपुट के अंदर और उस साइज आउटपुट को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में के आर पेटन फंक्शन के थ्रू और फिर उसको यूज करेंगे एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड इस कमांड में एस एन डी पी जी एम एस जी कमांड में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी वेरिएबल इसमें पास कर रहे हो वो कैरेक्टर टाइप का हो ये सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट करता है इसलिए हम इसका कन्वर्जन कर रहे हैं अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं और आउटपुट्स देखते हैं कॉल किया मैंने इसको कंपाइल किया कंपाइल हो गया अब इसको हम कॉल कर रहे हैं तो पहले इसने आउटपुट रिटर्न uh, किया नाइन और पेज डाउन करने पर दूसरा आउटपुट हमारे को मिला टू तो ये नाइन जो कैरेक्टर फंग करेक्टर डेटेड आइप है वो यूज़ कर रहा है नाइन बाइट्स और जो आई डी नंबर है वो यूज़ कर रहा है टू बाइट्स तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने साइज़ बल्टन फंक्शन को कोई भी वेरिएबल का साइज़ नंबर ऑफ बाइट्स कितना ऑक्यूपाई कर रहा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए तो इस सेशन के लिए इतना ही था नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन बट